हेलो दोस्तों, मेरा चैनल खाना खुशबू भरा पर आपका स्वागत है। देखिए, आज सिंपल तरीके से आलू का भुजिया बनाने जा रहे हैं। गांव में इसी तरह लोग बनाते हैं, खूब चटपटा भुजिया। देखिए, लहसुन लिए हैं 10-12 कली और एक हरी मिर्च लिए हैं और एक चम्मच काली मिर्च लिए हैं और हाफ चम्मच जीरा लिए हैं, साबुत जीरा। अब इसे सिलबट्टे पर पीसेंगे। सिलबट्टे का मसाला से काफ़ी टेस्टी भुजिया बनेगा, आप भी इस तरह बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। देखिए, अभी पीसेंगे। देखिए, एकदम महीन भी नहीं पीसना है, थोड़ा दरदरा रहेगा तब भुजिया में टेस्ट ज़्यादा आएगा। दो बार केवल चला रहे हैं। देखिए, मसाला पीस लिए हैं, मसाला तैयार हो गया है। देखिए, कढ़ाई में तेल ले लिए हैं भुजिया बनाने के लिए, राई लिए हैं तड़का के लिए, मेथी लिए हैं और जीरा लिए हैं तड़का के लिए। तड़का डाल दिए हैं। अब देखिए, सूखा लाल मिर्च है 2, उसको टुकड़ों में डाल दिए हैं और थोड़ा सा हींग डाल दिए। अब देखिए, आलू डाल दिए हैं, पहले से काट करके रख दिए थे धो करके। काफ़ी टेस्टी भुजिया बनेगा दोस्तों, एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बनाइएगा, सिलबट्टे पर मसाला पीस करके। देखिए, हल्दी डाल दिए थोड़ा सा। इसे थोड़ी देर भूनेंगे। देखिए, अब नमक डाल दिए हैं। देखिए, खूब अच्छा कुरकुरा हो गया है। अब मसाला डाल रहे हैं, जो पीसे हैं मसाला। मसाला डाल करके खूब अच्छा से मिक्स कर देंगे। काफ़ी चटपटा भुजिया बना है, इसे आप पराठा के साथ भी खा सकते हैं, चावल दाल के साथ भी खा सकते हैं। देखिए, कितना अच्छा लग रहा है, सर्व करके दिखा रहे हैं आपको, बहुत ही टेस्टी भुजिया बना है दोस्तों। देखिए, इसे पराठा के साथ सर्व करके दिखा रहे हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।